नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। चक्रवात बिपरजॉय के असर से राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, जालौर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में बाढ़ से हालात, 7 लोगों की मौत। चक्रवात बिपरजॉय के गुजरने के बाद देश में एक बार फिर मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल, झारखंड पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून, 24 जून तक इसके पूरे राज्य में फैलने की संभावना। भीषण गर्मी के चपेट में बिहार, टूटा 11 साल का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में भोजपुर जिले में लू लगने से 5 लोगों की मौत, यूपी के बलिया में गर्मी और लू से 11 लोगों की मौत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में लू से हुई मौतों के मामले में सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी के अलग अलग जिलों में भीषण गर्मी और लू के चलते 100 से अधिक लोगों की मौत हुई, अकेले बलिया जिले में 50 से अधिक मौतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली आधिकारिक राष्ट्रीय यात्रा के लिए अमेरिका रवाना, योग दिवस पर वे यूएन मुख्यालय में 180 देशों के प्रतिनिधियों को योग कराएंगे, अमेरिका कांग्रेस को संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 140वीं रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ निकले। गृह मंत्री अमित शाह ने शुभम मंदिर में की मंगल आरती, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने की झाड़ू से साफ किया था रथ का मार्ग। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में महिला ने उड़ाए नोट, वायरल वीडियो में सफेद लबास व गले में रुद्राक्ष की माला डाले एक महिला श्रद्धालु नोटों की बारिश कर रही है। शिवलिंग पर भी उड़े नोट, मंदिर कमेटी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में लगी मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा पर आधारित इस फोटो प्रदर्शनी में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े अलग अलग पहलुओं को दर्शाया गया। यह प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने दिया 500 एयरबस A320 क्राफ्ट का ऑर्डर, इतना बड़ा ऑर्डर देने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन। रामायण पर आधारित बहुभाषीय फिल्म आदिपुरुष का पूरे भारत में विरोध, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी को भी लोगों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं। नेपाल में सभी हिंदी फिल्मों पर लगा प्रतिबंध। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।